लैंप्स यूथ डे में मैं प्रमुख दास मास्टर अरविंद गुजरात से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि पूरे भारत में हम साथ मिलकर आज परमेश्वर से सीखने पाएंगे और परमेश्वर के सानिध्य में बैठकर परमेश्वर का आनंद उठाने पाएंगे। और आज के दिन के लिए मैं डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो फेलोशिप के चेयरमैन है, जिसने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम युद्ध मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। और आज के दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, तो मैं चाहूंगा कि आप और मैं थोड़ा समय परमेश्वर के वचन से हम सीखने पाएंगे और जवान हम साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। आज के वचन के मर्म के लिए मैं आपके सामने दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसका 22वां पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो मेरे मैसेज का थीम है। पौल तिमोथी को लिखता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। वहां पर पाउल जवान तिमोथी को लिख रहा है और सबसे पहली बात जो लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। पाउल तिमोथी को चेतावनी देता है, पाउल तिमोथी को एक एंकरेज कर रहा है कि जवानी की अभिलाषाओं से आपको भागना है। परमेश्वर का वचन आज हमें भी यही बता रहा है, हमें भी जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। जवानी की अभिलाषाओं से भागने का मतलब क्या है, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा है भागना है। परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है कि उसका सामना करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है अब जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। हम सामने करेंगे तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं हम गिर सकते हैं, लेकिन हम भागेंगे तो हम बच जाएंगे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि बाइबल में यूसुफ के विषय में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति के किताब में यूसुफ भागा इसलिए बच गया। और यूसुफ के जीवन में जो बात थी परमेश्वर का आदर करना, वो बात के लिए वो उसको तक मिला तो भी वो भागा, जमाने की अभिलाषाओं से भागा। जैसे यूसुफ ने किया हमें भी करना है, हमारे सामने भी टेम्पटेशन आएंगे, हमें भी मौका मिलेगा, लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे यूसुफ भागा है हमें भी जवानी की अभिलाषाओं से भागना है, सामना नहीं करना है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, अगर सामना करोगे आप गिर सकते हैं, इसलिए हमें जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय उसका 18वां पद में जो लिखा है वहां पर लिखा है व्यभिचार से बचे, व्यभिचार से बचे। मेरी गुजराती बाइबल में लिखा है व्यभिचार से भागो, व्यभिचार से भागना है। वहां पर भी लिखा है बचना मतलब भागना है। और पाउल जो लिखता है कुरिन्थियों के मंडली को, वहां पर लिखा है जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है,
बात है उसमें मानो ऐसा लगता है कि जानो दो डिवीजन हो गया है। पॉल लिखता है कि दो अन्य पाप जो है जो मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, लेकिन व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका छठवां अध्याय जहां पर हमने ये वचन पढ़ा है उसके आगे पीछे थोड़ा हम पढ़ लेते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। 12 पद से 20 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पौल लिखता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है परंतु परमेश्वर इनको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे, व्यभिचार से बचे रहे। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रियो पौल यहां पर लिखता है अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और व्यभिचार से बचे। और बचने का मतलब क्या है? कब बचेंगे? जब हम जवानी की अभिलाषाओं से भागेंगे तभी हम बचेंगे। इसलिए प्रिय जवानों मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं और आपको चेतावनी भी देना चाहता हूं, अगर आप जवानी की अभिलाषाओं से भागोगे नहीं तो आप गिरोगे। अगर आप भागोगे तो आप बचोगे। इसलिए प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं जवानी की अभिलाषाओं से हमको भागना है। जैसे यूसुफ भागा, हमें भागना है। हमारे देह जो है परमेश्वर की महिमा करने के लिए है। हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। और परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दिया गया है जो पवित्र है। 19वें पद में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो पवित्र है वो हमारे देह में बसा हुआ है। तो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है और जवानी की अभिलाषाओं से हमें भागना है और हमारे देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है, परमेश्वर की महिमा करना है। जैसे परमेश्वर का दास यूसुफ अपने जीवन में व्यभिचार के से भागा, जवानी की अभिलाषाओं से भागा और अपने जीवन में
अपने शरीर के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा यूसुफ ने की। वैसे ही हमें भी परमेश्वर की महिमा करना है, अपने शरीर के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। कई लोग गिर रहे हैं, कई जवान लोग गिर रहे हैं, जवानी की अभिलाषाओं में गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भागे नहीं है। कई लोगों का मैंने काउंसलिंग किया है और काउंसलिंग करने से पता चला है कि ये कैसे हो गए, आप कैसे पाप में गिर गए। तो जवान लोग बताए, पास्टर साहब मेरा मकसद ऐसा करने का नहीं था, हम तो बात करते थे, हम तो चैटिंग करते थे, व्हाट्सएप में चैटिंग किया, फेसबुक में चैटिंग किया और धीरे 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 वो पाप में गिर गए। प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप गलत संबंध में जुड़े हो आज भी वहां पर रुक जाओ, आप खतरे में पड़ सकते हैं, आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आप गलत रिलेशन में पड़े हो और आपका मोबाइल में उसका नंबर है, आप आज ही ब्लॉक कर दें। ब्लॉक करने का मतलब है आप भागना चाहते हैं, आप भाग रहे हैं, आपके इंटरनेट में आपकी बात हो रही है और आपको लग रहा है ये सब गलत है, परमेश्वर के नजर में ये पाप है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आज बता रहा है, तो आज ही परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अधीन होकर, परमेश्वर के वचन को अधीन होकर ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना है। परमेश्वर आपको सहाय करेगा। प्रियो, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 16 पद में लिखा है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा ही आप पवित्र बनो। हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, हमारी देह परमेश्वर की महिमा करने के लिए है, हमें परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट बनकर इस दुनिया में इस्तेमाल होना है। प्रियो, इसलिए परमेश्वर जैसा पवित्र है वैसा हमें पवित्र बनना है, और हमें पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि जैसा वो पवित्र है वैसे हम भी पवित्र बने। हम कैसे पवित्र बनेंगे प्रियो? प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियेल उसका पहला अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, दानियेल ने मन में ठान लिया कि राजा के भोजन खाकर और राजा के दाख मधु पीकर वो अपने को अपवित्र न करेगा, नहीं करेगा। दानियेल ने ठान लिया, हमको भी ठानना पड़ेगा। अगर हमने भी मन में ठान लिया है हम गलत काम नहीं करेंगे, प्रियो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, जो पवित्र है वो आपको सहायता करेगा पवित्र बनने में। अपनी ताकत से हम पवित्र नहीं हो सकते, अपनी शक्ति से हम पवित्र नहीं हो सकते, परमेश्वर पवित्र है, वो हमें पवित्र करेगा। उसकी सहायता मांगो, वो आपको पवित्र करेगा। दानियेल पवित्र बना रहा, अपवित्र ना रहा। क्यों? क्योंकि उसने ठान लिया, हमको भी ठान लेना है, परमेश्वर की मदद से हमें पवित्र बनना है। परमेश्वर की सहायता आप मांगिए, जो खुद पवित्र है वो हमें पवित्र करेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन हमको पवित्र करेगा? पहली बात मैंने बताई, परमेश्वर खुद जो पवित्र है वो हमको पवित्र बनने में सहायता करेगा। दूसरी बात, यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य से तू हमें पवित्र कर क्योंकि तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करेगा।
दाऊद गीत 119 में लिखा है, नौ पद में, जवान अपनी जवानी को कैसे शुद्ध रख पाएगा। अपने जीवन में प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखकर जवान अपनी जवानी को शुद्ध रख सकता है, पवित्र रख सकता है। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जो पवित्र है वो आपको पवित्र करने होने में आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आपको पवित्र होना है, आपकी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर का वचन जो पवित्र है उनकी सहायता आपको लेना है। परमेश्वर के वचन में हमें चलना है, वो हमको सहायता करेगा पवित्र बनने में। हालेलुया। दूसरी बात, तीसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कौन सी बात है जो आपको पवित्र करेगा। तीसरी बात, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, जिसका नाम ही पवित्र आत्मा है, वो हमें पवित्र बनने में सहायता करेगा। हमने पढ़ा है पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय उसका 19वां पद में हमने पढ़ा है, क्या तुम नहीं जानते कि हमारा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा हमारे में बसा हुआ है। प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहां निवास करता है? परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पवित्र जगह में वो निवास करता है। और हमारा शरीर, बॉडी, देह में परमेश्वर का पवित्र आत्मा बसा है, वो हमें पवित्र करता है। इसलिए प्रिय जवानों, मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूं, आपको परमेश्वर खुद आपको पवित्र करेगा, परमेश्वर आपको सहायता करेगा पवित्र बनने में। परमेश्वर का वचन जो पवित्र है वो आपको सहायता करेगा आपको पवित्र बनने में। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा आपको पवित्र बनने में। और यीशु मसीह जो वचन है, देह धारण किया हुए, वो यीशु मसीह आपको पवित्र करेगा। इसलिए प्रियो, आप पवित्र जीवन जीना है, दानियेल के समान, यूसुफ के समान अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है तो हमें पवित्र जीवन जीना है। और पवित्र जीवन जीने के लिए अपने अपने शक्ति से, अपनी ताकत से नहीं हो सकता, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर खुद हमें सहायता करेगा, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता करेगा हमें पवित्र बनने के लिए। अगर हम जवानी की अभिलाषाओं से भागे नहीं, तो प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका आखिरी अध्याय 22वां अध्याय और उसका 15वें पद में लिखा है, व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य के बाहर है, स्वर्ग व्यभिचारियों का कोई स्थान नहीं। इसलिए प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जवानों, हमें स्वर्ग राज्य तक पहुंचना है, परमेश्वर के स्वर्ग में हमें पहुंचना है। हमारा एक ही मकसद है, परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है और परमेश्वर ने हमें इस देह में रखा है। हमें इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है और आगे बढ़ना है। जवानों, इन दिनों में पहले से ज्यादा ये जवानी की अभिलाषाओं के पाप जवानों को आकर्षित कर रहे हैं। कई मसीही जवान लोग पाप में गिर गए हैं और वो जवानों का जो जीवन है वो बर्बाद हो रहा है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है,
उसका इस्तेमाल हम सही रीति से करें। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई जवान लोगों ने के जीवन को इस मोबाइल ने बर्बाद कर दिया है। ये मोबाइल के द्वारा कई जवान लोग अडल्ट्री में गिर रहे हैं, पाप की अभिलाषाओं में गिर रहे हैं, जवानी की अभिलाषाओं में गिर रहे हैं। हमें सावधान रहना है। व्यभिचार मीठा जहर है। फिर से बोलू, व्यभिचार मीठा जहर है। पहले हमको अच्छा लगेगा, मजा आएगी, लेकिन धीरे 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 हमारे जीवन को नष्ट कर देगा, हमारे जीवन को तबाह कर देगा और हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए व्यभिचार बाध्य हो जाएगा। इसलिए प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अब जवाने के अभिलाषा आती है, इसलिए तो पौल को तीमोथी को लिखना पड़ा। हम सब जानते हैं जवानी के दिनों में कैसे विचार आते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है वो पौल तीमोथी को बता रहा है कि हमें वो अभिलाषा, जवानी की अभिलाषाओं से भागना है और क्या करना है वो भी वहां पर लिखा है। जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करना है। व्यभिचार से भागना है, अभिलाषाओं से भागना है और क्या करना है, हमें ऐसे लोगों के साथ संगति करना है जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और धर्म का काम करते हैं, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप के पीछे हमें लगे रहना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम जो लोग शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं उनके साथ संगति करके धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करेंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए जो मुकुट रखा है वो हमें मिलेगा। परमेश्वर हमारा आदर करेगा और परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना, अच्छी योजनाएं बनाई के रखी है वो हमें प्राप्त होगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, प्रभु को प्रथम स्थान दें और अच्छी संगति करें, प्रभु के लोगों के से लोगों की संगति करें, पवित्र लोगों की संगति करें और बुरी संगति से हमें बचना है। प्रभु के वचन में लिखा है, बुरी संगति अच्छे आचरण को बिगाड़ देती है, इसलिए हमें बुरी संगति से बचना है और अच्छी संगति, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के लोगों की संगति जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं ऐसे लोगों की संगति में हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर के दासों के साथ मिलकर हम परमेश्वर की सेवा करके आगे बढ़ना है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन और परमेश्वर को और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह को आप अपना जीवन में स्थान दे, वो आपको सहायता करेगा आपको जवानी की अभिलाषाओं से भागने के लिए और आपका जीवन परमेश्वर के लिए आशीष का कारण हो जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और गॉड ब्लेस यू। Greetings to all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. I thank God for this wonderful opportunity that God has given me to preach on Pentecostal Youth Fellowship. I also give thanks to our chairman Dr. Matthew K. Thomas, who has given me a privilege to preach on this youth fellowship. As a chosen theme, conqueror in Hindi, Vijeta, I have taken a text from Proverbs 18
verse 14, where Bible says the spirit of man will sustain him in a sickness, but who can bear the broken spirit? My brother and sisters, especially youth, I want to tell you, in India and around the world, there are the people who are giving up their life. There are the people who are giving up their spirit due to depression, due to trouble, due to sickness, or due to any kind of the difficulties. People are giving up their life. Recently, few months before, one of the great actor in Bollywood named Sushant Singh Rajput, he was one of the youngest person who has given up his life. You do not know exactly what is the problem he had gone through, but we know that he had suicided his life. So likewise, there are the numbers of the people in India or around the world. The people, because of the different problems they go through, they are quitting their life. So here the Bible says, a spirit of man is sustaining him in sickness, but who can bend the broken spirit? Yes, my beloved brothers and sisters, especially, I want to talk to youth people. We are the living in the 21st century, and today is the 21st century. The world is expecting something great from the youth people. So let us go to the Bible and take some of the principles and the teaching. What should be today's youth? What should be today's young? My dear brothers and sisters, Bible says also, Philippians 4:13, Paul says, I can do all things through Christ who strengthens me. Bible says, I can do all things through Christ who strengthens me. Jesus Christ is our strength. And I want to encourage you, stay strong. Particularly stay strong in the spirit. Once the people are losing the spirit, when the people's spirit is broken, many people are giving up their life. So I thank God for the word of God. He suggests us that stay strong in the spirit. Become stronger in the spirit. I am going to tell you, you are strong in the spirit. Even though you go through difficulties, you still help other people. While you go through difficulties, the people do not know. But still you are helping other people. That is what you are, staying stronger in the spirit, my brothers and sisters. I'm talking to the festival youth. How we can understand that we are stronger in the spirit? I want to tell you, we can understand that we are strong in the spirit. When we go through difficult time, when we go through the problems or trouble, still we convince in our heart and we are helping lot of people. We are helping other people in spite of our all troubles. And we are helping. We are not giving up our life. That is what we are strong in the spirit. Praise the Lord. Also Bible says, Ephesians 6:10, be strong in the Lord and His mighty power. Ephesians 6:10 verse says, be strong in the Lord and His mighty power. The book of Ephesians chapter 6 is talking about how to defeat the enemy, how to defeat the devil. I want to tell you, young people, if you defeat the enemy, the Satan, you are the conqueror, you are the triumpher, you are the warrior, you are the stronger in the spirit. Praise the Lord. Also, from the Ephesians chapter 6, 1 to 11 to 18 verse, it is talking about the putting on
Jesus Christ. He is the strength. Jesus is not just our strength, but He gives the strength. He is our strength. And from His strength, He gives the strength to those who are seeking the strength. I want to tell you, my brother, sister, blessed youth, we need the strength of Jesus Christ. He is ready to give the strength. The world is very chaotic. People are giving their life. So how the world cannot give the strength in order to survive your life. But the Lord Jesus will give you the strength and power to survive in this world. Praise the Lord. He is our strength and He gives the strength to His people. That's why He is giving His strength to youth people. Hallelujah. Whenever the problems come, whenever the difficulties come, I want to tell you the young people, pray early. Ask to God, God give me the strength. Hallelujah. Lord give me strength. Lord give me power. I need you. Pray early. If you are the man of the prayer, if you are the man of faith, if you are the man of the fasting, I want to tell you, you will defeat the Satan. You will be defeated the Satan. Hallelujah. Satan cannot defeat you, but you will defeat Satan, because you are the man who is strong, who is a conqueror in spirit. Hallelujah. If you are strong in the spirit, no one can defeat you. Hallelujah. Pray only. Ask the strength from God. Ask the power from the Lord Jesus Christ. He is ready to give you strength. The people of the world do not have the strength of God. That's why they are giving up their life. But my brother and sister, the youth, listen to me. You are, hallelujah, the blessed people. God is willing to give you the strength. Ask and you shall receive His strength and power. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. We should know that we have victory before our problems comes in our life. I want to tell you how you can be strong, how you can be conquering in your spirit. I want to tell you, you should know, you should convince in your mind, you should convince your spirit that you have already victory before the problems will come in your life. Hallelujah. And this is the mystery of the victorious Christian life. Hallelujah. I want to again encourage you, hallelujah, the youth, hallelujah. Oh, you should know in your heart, you should know in your spirit, hallelujah, that I have victory. Hallelujah. I have already victory, no matter, oh hallelujah, what the problem will come, but I have victory. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Now let us see, what is the meaning of the more than conqueror? Now let us see, what is the meaning of the more than conqueror? What I believe, that you are convinced in the spirit. You are convinced in the spirit that who you are in Christ and whose you are. That you are already going to the win the battle before battle comes in your way. That is the you are the more than a conqueror. Hallelujah. Convince your heart, convince your spirit that you have already victory. You have already won the battle before the battle starts, before the battle begins in your life. You have already convinced your spirit that you will have the victory. Hallelujah. And that is what we are more than a conqueror. For me, what I believe, that I am convinced in my spirit that, hallelujah, I have victory. I will not be defeated. Hallelujah. I will not be defeated. No one can be defeated. Hallelujah. No matter what the problem will come, but convinced in my spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah. I have a victory. You are more than a conqueror. Hallelujah. The truth is that the fact of our life is that, hallelujah, we do not know what will happen tomorrow. This is the fact, my brothers and sisters. Youth, listen to me. The fact of our life, we do not know about the tomorrow. We do not know about the afternoon. We do not know about the morning. We do not know about the next world. We do not know about the future. Hallelujah. What is the whole of the future? We do not know. But we only know that I trust in the Lord. You trust in the Lord. Hallelujah. Once you trust in the Lord, once you are stronger in the spirit. Hallelujah. Oh, whether you do not know afternoon what will happen, tomorrow what will happen, what will the future hold, if you do not know, but I want to tell you, trust in the Lord. Hallelujah. Trust in the Lord. It is enough. Trust in the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you. That is the fact. We do not know what is going to happen tomorrow. Hallelujah. But be ready to tackle with every issue. Be ready to fight with every problem. Be ready to, hallelujah, oh, hallelujah, to go through any kind of
strong in the spirit. And what are the areas we need to be strong in the spirit? I want to tell you, we need to be strong in the mind. We need to be strong in the mind. We need to be strong in the Lord. We need to be strong in the spirit. Hallelujah. I want to tell you people, hallelujah, dear people, the world needs to see the growth of the body of the people who are stable. I want to tell you again, the world wants to see you, the group of the people who are stable. There are the many youth today, they are not stable. Every time they are up and down, they are. I want to tell you, oh, God is affecting some of the youth who are stable in the world, stable in the truth, stable in the hallelujah faith, stable in the holiness, stable in the hallelujah. Oh, and the trust in the Lord, hallelujah. God is asking, hallelujah, the youth who will be stable, hallelujah. And the world is watching today. The world is hallelujah. Oh, hallelujah, need to see the youth who are stable, not the up and down. The youth should be stable. Youth to be stable in their motivation. Youth to be, hallelujah, stable in their determination. Youth be, should be stable in their purpose. Hallelujah. Youth should be stable in the beginning of their life. The why they are on this earth. They should be, youth should be stable, Priyo. The people of the world to see, smile on our face. I want to tell you again, the people of this world want to smile on our face. We face the same kind of the problem as the worldly people face the problem. But still, if we have the smile on our face, then that is our, we are the victorious. We are triumphant. We are the one that conquered. The world is facing, lot of kind of problem. And today's world is facing the very biggest problem which we have never seen our generation. That is the COVID-19. Hallelujah. But we are still, hallelujah, stronger in the spirit. The world want to see the smile on our face, though we face the same kind of the problem as the worldly people are facing. Let us have the smile on our, hallelujah, face. Hallelujah. If you are still have the smile on our face, I want to tell you, you are the more than conqueror. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I want to tell you, God does not give the guarantee that you have faith in God or you have the good or perfect relationship with God, that problem will not hit your life. I want to tell you, though we have the faith in God, though we have good relationship with the God, the problem will come, the trouble will come, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. But I want to tell you, you are the more than conqueror, hallelujah. Because you are strong in the spirit, God is giving the strength to you, hallelujah. Oh, thank you, problem will come, one after my one, hallelujah. But I want to tell you, stronger in the spirit, stay stronger in the spirit, hallelujah. Oh, hallelujah. Keep your faith continue in God, hallelujah. Oh, abide in the word of God continue, hallelujah. Live the life of the holiness continue, hallelujah. In the midst of the trouble, God will, hallelujah, give his strength and power to you, hallelujah. Thank you, Jesus. Now you are more than conqueror because you are fearful of not any situation. I want to tell you how you are more than conqueror, because you are not fearful of any situation, but you learn from the situation against you. Youth, listen to me. Listen to me. You do not fearful of any kind of situation, but learn from the situation what is happening in your life. Hallelujah. Oh, Psalm 119 verse 70 verses say, it is good for me that I have been afflicted, for I have learned your status. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. It is good for us. It is good for us, youth. Hallelujah. That we have trouble. We have the affliction. Hallelujah. It is good. Why? We are learning from the situation. We have lot of things learning from this pandemic. We have lot of things we are learning. Our God is teaching many things in the midst of the trouble. Hallelujah. And if you, hallelujah, in the midst of this kind of situation, if you are learning from this, Lord, you are the more than conqueror people. Hallelujah. But there is a place in him, hallelujah. I want to bring the one of the New Testament example. Paul, I want to bring in front of you, youth people. Listen, hallelujah. Paul says in Philippians, hallelujah. Paul, hallelujah. Paul has the determined purpose to know Christ and his the power of resurrection. How the God raised Jesus Christ from the dead. He wants to experience his life. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus.
difficulty came in the life of the Paul, but all the time he knew that I am knowing the power of God. I know the strength of God. I know the hallelujah, the power of resurrection, hallelujah. Wherever I go through any kind of problem, I will rise above every problem, hallelujah. That should be convinced in our heart. Learn something good principle from the life of Paul, hallelujah. That we will rise up, we will not give up, hallelujah. No matter what the problem we call, hallelujah. Again, next example I want to bring in front of you, hallelujah. David, oh hallelujah, David. I love the character of the David, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. First Samuel, chapter 30, we can see the whole things what is happening in the life of David, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. You were already in the battle, and you come home, and some disappointment. Oh, hallelujah. You want to come home to relax and rest, but when you come to home and you see some disappointment, what is happening? David and his army, just they have finished the battle. Now they came in the city, and they saw the disappointment. What had happened? They saw, hallelujah, the enemies are Amalekites. They raided city. They burned the whole city. Even they captured the women and children. And even they found out that his own wife also had been captive. Not only that, they had disappointment to deal with it, but they have lost their family, they lost the city which they have built up. My friends, the family, the brother, sister, youth, I want to tell you, but now all men turn against even David. All the men who were along with David, they tried to, hallelujah, stone, hallelujah, David. If he could have in the place of the David, what could we do? Hallelujah. Think what David going through in this point. David was greatly distressed. What David did, I want to tell you. What David did, we have to do today. Youth, listen to me. Instead of giving up the life, instead of losing the hope, instead of, hallelujah, losing the battle, I want to learn from the late David. What David did? David encouraged and strengthened himself in the Lord. David encouraged and strengthened himself in the Lord. I want to tell you, the moment you have any kind of problem, do not go to the phone, but go to the throne. I want to tell you again, the moment you have any kind of problem, do not go to the phone, but you go to the throne of God, hallelujah. Throne of God, hallelujah. Whatever you are facing today, many are still, hallelujah, going through many kinds of trouble and difficulties. But I want to tell you, you can do all things through Christ who strengthens you, hallelujah. I want to tell you again, no matter what is your failure, no matter what is your crisis, no matter you have failed in your career, no matter you have failed in your job, no matter you have failed in your business, no matter you have failed in your job, no matter you fall, even in your spiritual life, no matter you are, there are some of the youth pastor, I want to, you may be thinking, I failed in the ministry. No matter, I want to tell you, hallelujah. You can do all things through Christ who gives the strength to you, hallelujah. Thank you, Jesus. Today you say, I can do all things through Christ who strengthens me, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. God is on your side. Listen, God is in your side. You are the more than conqueror. You have authority over the enemy. You are the warrior. You can do whatever you need to do through Christ who strengthen you, because he is your strength. Hallelujah. The moment you hear any kind of I can't, the moment you hear any kind of I can't in the mind, I want to tell you, the mind is a battleship. Satan puts thought in our mind, and if you believe the thought of the Satan, you will immediately will happen what you think in your mind. Do not place the Satan thought. Do not give the thought of the Satan to allow you your life. I can't. The minute you hear I can't, you need to open your mouth and tell to yourself, no, I can do all things through Christ who gives me strength. Reject the word of the I can't, but allow in your life and tell to yourself, I can do all things through Christ. Not I can, but everybody say, I can. All you can say, I can do all things through Christ who gives me strength. Hallelujah.
that nobody can do for you, but it is you. There is nobody that can do for you, but it's you. Refuse to give up. Refuse to give up. Your pastor cannot do for you. Your friends cannot do for you. Or your parents cannot do for you. But it's you. You refuse to give up. Keep doing. Go what is right. Keep studying. Continue. Keep doing. Hallelujah. Try after try. And once you know in your heart, hallelujah, one day I will be clear. One day I will have success. One day I can do. Hallelujah. I can achieve. Do not say I cannot do, but say I can. Hallelujah. Isaiah 46, hallelujah. Oh God gives the power to the weak. Isaiah 40, hallelujah, 29 to 32. God gives the power to the weak, and to those who do not have the strength, he increases the strength. But those who wait upon the Lord, they shall renew their strength. Hallelujah. And they will mount up like with wings, like eagles. And they shall, hallelujah, run, and they will be not weary. They shall walk, and they will not be, hallelujah, faint. Hallelujah. I want to tell you people, hallelujah, how much you are blessed, you do not have any idea. How much you are blessed, you do not have any idea. I want to tell you, hallelujah. Oh God, in the presence of God, hear the God's word. Hallelujah. Oh, stay in the presence of God, and let us have the fellowship with God. Hallelujah. And in the presence of God, you will get the strength and power. Hear the God's word. Hallelujah. And you will have the strength and power from God. Hallelujah. Oh, you are going in the house of God. It's not the time of the waste. Hallelujah. Oh, you are not wasting the time in hearing the God's word, but you are getting the strength and power in your spirit. In your spirit, you are getting the strength and power. Hallelujah. I want to tell you, hallelujah, you are so blessed. Hallelujah. Oh, you are so blessed. Hallelujah. God is expecting something great from you. Hallelujah. Bible says, 40, hallelujah, even though youth shall be faint. Hallelujah. But even though young, hallelujah, oh shall, hallelujah, young shall be, oh, fall exhausted. But God wants to lift up. God wants to give the strength. Hallelujah. Today many past, many youth are today fall exhausted. Today many youth are faint. Today many youth are, hallelujah, weak. But I want to tell you, no matter what is the situation today, hallelujah, those youth are listening to me. God is able to do, give you the strength and power. Hallelujah. In the past you may be failed. In the past you may be, hallelujah, oh, your spirit may be, hallelujah, broken. But I want to tell you, do not give up. Do not give up. Hallelujah. Oh, what is the trouble? Oh, what is the problem today in your life? I want to, that is not to disturb you. No, that is not to harm you. But that is not to, hallelujah, oh, hallelujah, destroy your life. But I want to tell you, what are the problem today you have? What are the, hallelujah, difficult to do you have today? Hallelujah, it will make you stronger and stronger. Hallelujah. You were in the past weak, but hallelujah, I want to tell you, after this difficulty, after this problem, you will come out more than conquering. Hallelujah. The people of the world will see he was a weak, but now the people of the world will see he is a stronger. He is a beautiful. He is a successful. He is a blessed. Hallelujah. He is a victorious. Hallelujah. Let your testimony be changed. Hallelujah. Again, I want to tell you, hallelujah, those who wait upon the Lord, oh, hallelujah, they shall renew their strength. Hallelujah. And they will mount up, hallelujah, with the wings like an eagle. Oh, they shall run and be not weary. Hallelujah. They shall walk and they be not faint. Hallelujah. How much of a God is, hallelujah, oh, hallelujah, blessed of our God. Hallelujah. He is willing. Hallelujah. He says, I am ready to give my strength. I am ready to give my strength to you. Hallelujah. Like Paul always say in your life, I can do all things through Christ who strengthens me. My brother, sister, blessed youth, I want to encourage you. Hallelujah. Oh, you have the greater future. You have the greater hope. Hallelujah. The greater glory is coming for you. Hallelujah. God wants to use the youth like you. Hallelujah. You are so much blessed. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Let us submit in your weakness. Let us submit yourself in your shortcoming. Let us submit yourself in this, hallelujah, the crisis. No matter what is the problem, I do not know. But let us submit yourself. Bible says, hallelujah, submit yourself to the God. Hallelujah. Resist the devil and he will flee from you. Resist the devil and he will flee from you. Hallelujah. Oh, hallelujah. We are the people. We are the more than conqueror. Oh, hallelujah, through you. You only can defeat the Satan. You only can defeat the sin. You only can defeat the secret. You only defeat, hallelujah, your failure. Hallelujah. Oh, God is willing to give you strength.
and power. Hallelujah. Oh, Jesus, once upon a time, you said, defeated the Satan. Now your chance, defeat this trouble, defeat the situation against you, defeat this, hallelujah, this sickness, defeat your failure. It is up to your hand. Hallelujah. God has, hallelujah, grace and mercy upon you. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. This is my prayer. Hallelujah. Oh, those who wait upon the Lord, you wait upon the Lord. You will renew your strength. Hallelujah. You will mount up. Hallelujah. Though with the wings like an eagle. Hallelujah. And you will run and be not weary. You will walk and you will not be faint. Hallelujah. Oh, thank you. This is my prayer. Hallelujah. That your future will be great. Your ministry will be great. Your family will be great. Your health will be great. Hallelujah. Oh, no sickness, no trouble, no Satan, no one can defeat you. But you are the God, the one who will be more than conqueror. Hallelujah. What you were the past, what you were in the last, hallelujah. You are not no more. Hallelujah. But now you are more than a conqueror. Now you are victorious. Hallelujah. Oh, thank you, thank you, thank you. May the God bless us through this encouraging word. Hallelujah. Amen. परमेश्वर ने हमको ये वक्त दिया है इस बर्निंग लैंप यूथ के अनुसार कि हम आपस में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए सहभागिता रख सकें इस वीडियो के द्वारा, इस ऑनलाइन सेशन के द्वारा. परमेश्वर ने हमको ये समय दिया, इसलिए हम उसका धन्यवाद देते हैं. और सर्वप्रथम हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हुए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, सेशन को स्टार्ट करने से पहले, आइए हम सब प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए जो तुमने दिया है प्रभु जी हमको, कि हम एक साथ मिलके प्रभु जी तेरी आराधना करने वाले हो सके. पिता परमेश्वर, जितने जन प्रभु जी हमको देख रहे हैं इस लाइव सेशन, इस वीडियो के द्वारा, पिता परमेश्वर जितने व्यूअर्स हैं प्रभु जी, सभी को प्रभु जी तेरी स्वर्गीय आशीष से मामूल कर प्रभु जी. सारी बातों में प्रभु जी तू संग साथ रहे प्रभु जी. सारी बात प्रभु जी आप ही के द्वारा होने वाली हो सके प्रभु जी. प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी हम तेरे हाथ में देते हैं इस पूरे सेशन को, जो प्रभु जी मॉर्निंग 9 से इवनिंग 9 तक के पिता परमेश्वर आपने जो टाइमिंग दिया है, 12 घंटे हम वर्शिप करने वाले हैं. तू इसमें संग साथ हो पिता परमेश्वर. आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन और जितने व्यूअर हैं प्रभु जी देख रहे हैं उनके द्वारा होने जाए प्रभु जी. सारी बात में आपको महिमा मिलने वाली हो सके, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन. इस समय मैं सर्वप्रथम हमारे पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस अंकल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमको यह अवसर दिया कि हम आपके साथ लाइव वीडियो के द्वारा और हम वार्तालाप कर सके, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आराधना को आपके द्वारा और आपके साथ बांट सके. परमेश्वर आप सभी को इस वीडियो के द्वारा आशीष देने वाला हो सके. हम ये स्टार्ट करने से पहले सेशन क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना में थोड़ा समय व्यतीत करें. मैं सबसे पहले परमेश्वर की आराधना में जो हमारा जो हम संडे स्कूल से सीखते हैं, जो गीत आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसके द्वारा प्रभु हम सभी को ये आशीष देने वाला हो सके. तो आइए हम सब मिलके इस गीत को साथ में गाएं. आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी इस ईद के द्वारा आशीषित होने वाले हो सके. आप सब भी जहां हैं वहां मिल से मिलके साथ में गा सके. परमेश्वर आपको इस ईद के द्वारा आशीष देने वाला हो सके. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो. आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो. सच में प्रभु ने आज का दिन बनाया है कि हम सब मिलकर उसमें आनंदित होने वाले हो सके, सारी बातों में परमेश्वर को महिमा देने वाले हो सके, सारी आदर मान सम्मान महिमा प्रभु को मिलने वाली हो सके. प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान. ओ बड़े मैं घटूं
बनाया है हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है हमें इसमें आनंदित हो आनंदित हो। उसमें आनंदित हो। कुछ समय है मेरे पास क्योंकि हम सभी को टाइम लिमिट दिया गया है, तो कुछ समय के लिए हम परमेश्वर की बातों को जो मैं अपना एक्सपीरियंस है प्लस जो मेरे साथ चीजें हुई हैं प्लस जो वचन परमेश्वर ने दिया है कि मैं आपके साथ आज बांट सकूं, तो आप सभी को वो वचन बहुत पसंद होएगा। वो मेरा भी फेवरेट है, वो आपका भी फेवरेट होएगा क्योंकि वो वचन जो है वो हमें एक आशीष और एक प्रोत्साहित करता है। जब कभी भी कुछ भी कठिनाई हो वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो वचन प्रभु ने हमको दिया है जिससे हम आशीष हमेशा पाते हैं। आइए हम थोड़े समय के लिए अपनी बाइबलों को खोलें और भजन संहिता 23 अध्याय उसका पहला पद आप सभी को पता है, मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा, यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगी। ये पहला पद है, यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी ना होगी। जब हम अभी देख रहे हैं संसार में विभिन्न परिस्थितियां हो रही हैं, चाहे वो COVID-19 हो, चाहे कोई और बीमारी हो, चाहे कोई और परेशानी हो, लेकिन उन सब में हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। सारी बातों में वो हमेशा हमको संभाले रखता है और हमारा विश्वास सिर्फ उसी पे है और हम उसी विश्वास से आज हम यहाँ जिंदों की जमीन पे पाए जाते हैं। जैसे वचन के द्वारा लिखा गया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, चाहे कोई भी परिस्थितियां आए, चाहे कोई बीमारियां आए, चाहे कुछ भी हो, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे है तो वो हमें संभालेगा क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। उसी से रिलेटेड मैं एक और पद आपको देना चाहूंगा जो कि है फिलिपियो 4 अध्याय उसका 19वां पद, जिसमें वचन इस तरह कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जो आप जानते हैं कि वो हर एक घटी को पूरी करने वाला खुदा है। सारी बातों में जैसे अभी हमारे सिचुएशन में जैसे COVID-19 क्राइसिस है, कई लोगों के पास जॉब नहीं है, कई लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन पिता परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा ये बताते हैं कि वो हमें हमारी कोई भी घटी, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हर एक घटी को पूरी करने वाला खुदा है। क्योंकि वचन हमको इस तरह कहता है कि चाहे कोई भी विषय हो, अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पे है तो वो हर चीज को पूरी करने वाला, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हमारे सांसारिक, चाहे वो आत्मिक, चाहे कोई भी बात से रिलेटेड हो, वो पूरी करने वाला खुदा है। उसी से रिलेटेड मैं एक और रेफरेंस और एक और आयत को पढ़ना चाहूंगा जो कि इब्रानियों 13 अध्याय उसका 5 में लिखा हुआ है,
मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर ने जब हमको ये वचन के द्वारा एक प्रोत्साहित करने के लिए वचन दिया है कि हमको वो कभी भी ना छोड़ेगा, ना कभी वो त्यागेगा, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, चाहे कहीं की भी बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर हमारे संसार रहने वाला खुदा है। कुछ बातें कभी कभार ऐसे हो जाती है कि हम किसी से कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते किसी के बारे में, या फिर खुद से इंटरनली कभी कभार हम लोग लोनली फील करते हैं, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर हमको ये कहता है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे आप लोनलीनेस फील करें, चाहे आप परिवार के साथ हो, चाहे बाहर हो, लेकिन कभी ये मत भूलिए कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि वो कभी ना हमको छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। मैं इस वचन के द्वारा आपको ये प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें कैसे इस जो COVID-19 की परिस्थितियाँ हैं, COVID-19 की, तो उसमें कैसे हम परमेश्वर के नज़दीकी में और बढ़ जाएं, कैसे हम परमेश्वर की बातों में और बढ़ जाएं, क्योंकि ये हमको एक मौका मिला है कि हम परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के आज्ञा है, परमेश्वर के वचन में और अधीन हो जाएं और परमेश्वर की बातों में रह के और उसमें मनन में रहने वाले हो सके और अपने जीवन को उस प्रकार व्यतीत करने वाले हो सके। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि तीन बातें जो हमें परमेश्वर की नज़दीकी में लेके जा सकती है, तीन बातें। उसमें सबसे पहली बात आती है निरंतर बाइबल पढ़ें, रीड बाइबल रेगुलरली। परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ने से परमेश्वर की बातों में और हमारा अध्ययन और हमें बातें पता रहें कि उसके अनुसार हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं, जिससे परमेश्वर हमें आत्मिक आशीषों से भरता है। सेकेंड बात है वर्शिप। परमेश्वर की आराधना और स्तुति निरंतर हमारे मुख से होनी चाहिए, चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, परमेश्वर की आराधना करने में पीछे ना हटे। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का गुणगान हमेशा करते रहें। और थर्ड और लास्ट प्रेयर, प्रार्थना का स्वभाव। प्रार्थना करते हुए चाहे आप कोई भी परिस्थितियों में हो, सबसे पहले परमेश्वर के प्रति आपका पहला स्थान होने वाला हो सके। चाहे आप नई चीज आप परचेज करने जा रहे हो या फिर कोई परेशानी हो, कई बार ऐसा होता है कि हम मनुष्यों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रथम स्थान छूट जाता है, तो ऐसा ना होने दे। हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान रखते हुए, परमेश्वर को सारी बात में प्रथम स्थान रखेंगे तो आपका वो कार्य, आपकी वो इच्छाएं, आपकी जो भी जरूरत है वो परमेश्वर पूर्ण जरूर करेगा, क्योंकि हमने परमेश्वर को हमेशा प्रथम स्थान पर रखा है। इसलिए परमेश्वर हमको सारी बातों में आशीषित करेगा, चाहे वो आत्मिक बातें क्यों ना हो, चाहे वो सांसारिक बातें क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमको सारी बात में आशीषित करेगा अगर हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे। एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम अपना जीवन कैसे, यानी एक ऑसम, I just want to give you the full form of awesome. हम अपने जीवन एक awesome तरीके से कैसे जी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें परेशानियां हैं, हमें कोई दिक्कतें हैं, जो चीजें हमको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने ये आजमाया है कि मैं जितना नज़दीक परमेश्वर के रहा, मैं उतना आशीषित रहा। तो मैं आपके साथ ये सात बातें जो एक वर्ड में awesome, उसको मैं एब्रिविएशन के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो awesome जो वर्ड है वो बहुत अच्छा है और परमेश्वर के लिए मैंने उसको फुल फॉर्म के रूप में, एब्रिविएशन के रूप में रखा हुआ है। जैसे ए फॉर स्टैंड करता है अच्छी एक्टिवनेस, ए से एक्टिवनेस, कि हमको परमेश्वर के कार्य के लिए सदा तत्पर तैयार रहना चाहिए। कभी भी परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी बातें क्यों ना हो, लेकिन हमेशा हमको परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। सेकेंड वर्ड है W, विच स्टैंड्स फॉर वर्शिप। परमेश्वर को हमेशा उसकी आराधना करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसका गुणवाद करते रहें और परमेश्वर सच में हमको आशीषित करने वाला हो सके।
थर्ड वर्ड है ई विच इज स्टैंड फॉर एनकरेज. हमें एक दूसरे को एनकरेज प्रोत्साहित करना है परमेश्वर के कार्य के लिए, ना कि अपना ही नहीं बल्कि हमको एक दूसरे के साथ मिलके परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के वचन को शेयर करते हुए परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ना चाहिए. फोर्थ है एस, एस फॉर स्मार्ट. हमको हर समय होशियार रहना चाहिए क्योंकि शैतान को पता रहता है कि कैसे वो इस व्यक्ति को जो परमेश्वर के नजदीकी में है उस पर अटैक कैसे करें. बट हम परमेश्वर की बात में आगे बढ़ते रहना चाहिए जिससे वह हमेशा दूर रहता है. अगर हम परमेश्वर की नजदीकी में है तो वो हम पर अटैक करे, लेकिन हम उस पे परमेश्वर के नाम से विजय प्राप्त कर सकते हैं. फिफ्थ वर्ड है ओ विच स्टैंड फॉर ओबे. हमें परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जो बाइबल हमें सिखाती है उसके अनुसार हमें उसको फॉलो करते रहना चाहिए जिससे हमारा जीवन एक आशीषमय जीवन व्यतीत हो सके. सिक्स्थ वर्ड है एम विच स्टैंड्स फॉर मैनेज. इस वर्ड को हम रिलेट करेंगे तो हम जान सकते हैं, एक मैं आयत आपके साथ शेयर करूंगा, रोमियो 12 अध्याय का 5वां पद. इस संसार के संदर्श ना बनो. ये जो वर्ड है, ये जो आयत है, इस संसार के संदर्श ना बनो, उसमें हम परमेश्वर को रोमियो 12 उसका 5 पद में देखते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे बता रहा है कि संसार के बातों में ना पढ़ते हुए लेकिन आत्मिक बातों में बढ़ें. आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें किस तरह से बचाना चाह रहा है कि सांसारिक बातों में नहीं लेकिन आत्मिक बातों में बढ़ें. और लास्ट वर्ड है इंजॉय, ई विच मीन्स इंजॉय. अगर हम ये 6 बातें अपनाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में सदैव बनी रहेगी. ये मैंने अपने जीवन के द्वारा, अपनी जो भी मैंने कार्य किए, जो भी परमेश्वर के प्रति मैं प्रेम रखा, ये मैंने अपने जीवन में ये 7 बातों को देखा है. अगर हम 6 बातों को मानते हैं, 6, हम परमेश्वर की उपस्थिति को सही में महसूस करने वाले हो सकेंगे. हर एक बात में अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर हमको सच में आशीषित करने वाला हो सके. लास्ट में मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं. एक पद है भजन संहिता 16:11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है. जैसा परमेश्वर वचन के द्वारा बताना चाहता है, जितना हम परमेश्वर के निकट रहेंगे तो उतना आनंद हमारे जीवन में रहेगा. तो ये परमेश्वर हमें सिखाता है इस वचन के द्वारा. सारी बातों में अगर हम परमेश्वर को महिमा दें तो वो हमें और भी और अधिक आशीष देगा, जिससे प्रभु की बातों में हम और आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को, कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, हम उसके नाम से विजय को प्राप्त करेंगे. मेरे पास टाइम कम है और इस समय मैं इस वचन के द्वारा आप सभी को मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, यही प्रोत्साहित और मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, खासकर यूथ को जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि हम परमेश्वर की बातों में बढ़ जाएं, ना कि सांसारिक लेकिन आत्मिक बातों में ज़्यादा बढ़ें. यही मैं आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करना चाह रहा हूँ. मैं एक और गीत परमेश्वर के, जो परमेश्वर ने मुझे दिया इस वक्त कि मैं आपके साथ शेयर करूं, वर्शिप करूं, वो गीत बहुत, उसके वर्डिंग मेरे को बहुत पसंद है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्ड पे ध्यान कम देते हैं, लेकिन वर्ड जो है बहुत सही मायने में परमेश्वर की आराधना के लिए मान्य होते हैं, क्योंकि हमारा मन उसके बगैर कहीं भी नहीं है और उसके प्यार ने हमको जीत लिया है. इसलिए ये गीत मैं इसके साथ आपके साथ शेयर करूंगा, आप भी मेरे साथ मिलकर गा सकते हैं. पुराना गीत है, उसके बगैर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं. हमारा मन, हमारा दिल कहीं नहीं मानेगा लेकिन सिवाय परमेश्वर की उपस्थिति में. मेरा दिल नहीं लगता.
मेरी जो बस तेरे प्यार की, इश्क तेरे जैसे एक यार की। सच में हमारा दिल और हमारा मन तेरे बिना कहीं नहीं लगता पिता परमेश्वर। इस सेशन के हम अंत में आए हैं। मैं इस सेशन को इन करने से पहले आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो जन ने इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया, उन सभी को और सभी को प्रभु यीशु के नाम में आशीष होने वाला सके। सारी बात में आपको और परमेश्वर को ही महिमा मिले, कोई मनुष्य को नहीं लेकिन परमेश्वर को महिमा मिले। इस वीडियो के द्वारा प्रभु को महिमा मिले और आप सभी को जय मसीह की। थैंक यू आपको जय मसीह की। मेरा नाम राकेश है और मैं गुजरात से हूँ। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों से सीखने की अनुग्रह हम सबको मिला है। और आज मैं विजेता के विषय में या फिर विजयी जीवन के विषय में बोलना चाहूँगा। जब भी हम विजयी शब्द सुनते हैं या फिर विजयी होने के विषय में सुनते हैं तो हमारे मन में एक मेंटल पिक्चर होता है या आता है जो है कि कोई इतिहास की कोई व्यक्ति या युद्ध के विषय की कोई घटना हमें याद आती है और जिसमें विजेता राजा के विषय में हमारे मन में कोई चित्र आता है, या फिर कोई क्रिकेट टीम हमारे मन में आ जाती है तुरंत कि हाँ यार ये वर्ल्ड कप जीते थे हम, या फिर कोई स्पोर्ट्स में जीता हुआ व्यक्ति या टीम हमें याद आती है। तो विजेता होना मतलब कि एक व्यक्ति हारता है दूसरा जीतता है, एक टीम हारती है दूसरी टीम जीतती है।
या फिर युद्ध के विषय में बात करें तो एक आर्मी जीतती है, दूसरी आर्मी हारती है। तो वैसे ही हमारे जीवन की कहानी भी है, या फिर हम सब के भी एक युद्ध की कहानियाँ होती है। उससे पहले कि हम जीवन की बातें करें, मैं थोड़ी सी बातें इतिहास से बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में एक कहावत है, या फिर एक भाषा प्रयोग किया जाता है, जो जीतता है उसके विषय में, जो जीता वही सिकंदर। तो ये सिकंदर के विषय में बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है इतिहास की किताबों में, और उनके विषय में मूवीज भी बनती है, या फिर बहुत सारी कहानियाँ बुक्स में हम पढ़ते हैं उनके विषय में। तो सिकंदर के समय में और हमारे भारत के जो समय जो समकालीन रहा होगा ऐसा लगता है, क्योंकि या फिर पास पास में रहा होगा ऐसा लगता है, क्योंकि सिकंदर का जो डेथ हुआ है वो ईसा पूर्व 323 के आसपास में हम कह सकते हैं कि उनका डेथ उस समय में हुआ है, ईसा पूर्व 323 में। और हमारे भारत के एक बहुत बड़े राजा के विषय में मैं फोकस करना चाहूँगा, जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन का समय जो शुरू हुआ वो है ईसा पूर्व 322। सो सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो साथ साथ में उनका राज्य समय या फिर शासन का समय रहा होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है शायद कि उन लोगों ने आमने सामने युद्ध ना किया हो, फिर भी क्योंकि सिकंदर हमारे देश में आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना और सिकंदर की सेना ने आमने सामने युद्ध किया हो, या फिर कुछ हुआ हो ऐसा लग रहा है, या फिर हो सकता है, लेकिन ये पूरा श्योर है कि नहीं वो मुझे पता नहीं। फिर भी महान सिकंदर के विषय में बहुत सारी बातें होती है, और हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में बहुत सारी बातें होती है, जिनकी शूरवीरता की कहानियाँ हम सबको सुनाई जाती है, हम सुनते हैं और हम एंकरेज होते हैं, या फिर उनके जैसी वीरता या शूरवीरता दिखाने की हम भी इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं, या फिर उनके जीवनों से हम बहुत सारी बातें सीखते रहते हैं। तो ये जो सिकंदर जो है वो उनकी एज रही होगी 32 साल, और उन्होंने नॉन वर्ल्ड काफ़ी जीत लिया था ऐसा कहा जाता है। और हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने भी जो हमारे उस समय ईसा पूर्व 322 से पहले के जो राज्य थे हमारे देश के, वो छोटे छोटे राज्य थे, और राजा लोग छोटे छोटे प्रदेशों में राज किया करते थे। लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो सिद्धि हम बोले तो वही है कि उन्होंने पूरे जो राजा जो तितर बितर थे, यहाँ वहाँ थे, उन सबको इकट्ठा करके एक भारत राष्ट्र को निर्माण किया। उसमें उड़ीसा के कई प्रदेश और तमिल के कई प्रदेशों को छोड़कर बाकी जो प्रेजेंट डे इंडिया जो है उसमें ज़्यादातर प्रदेश को उन्होंने कवर किया था, या फिर जीत लिया था, या फिर उनको एक किया था, यूनिफाइड किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की यही सिद्धि हम बोल सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया, एक विजेता हम बोल सकते हैं, जो यहाँ वहाँ तितर बितर था उनको एक करके हमारे देश को खड़ा किया। ये जो सिकंदर है उनका राज्य के विषय में जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो सिकंदर के बाद पूरा बट गया, या फिर पूरा का पूरा धीरे धीरे करके डिवाइड हो गया। उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी हम पढ़ते हैं तो उनके राज भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। अब हम जबकि बाइबल के बिलीवर्स है, बाइबल में विश्वास करते हैं, तो बाइबल की कहानियों में भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर बाइबल जो है वो राजाओं के विषय में लिखा गया है, या फिर राजाओं की कहानियाँ हमें मिलती है। ज़्यादातर पुराने नियमों में राजाओं की कहानी, युद्ध की कहानियाँ बहुत सारी मिलती है, और उसमें जो सबसे शानदार कहानी है बच्चों से लेके हम सबको, इवन प्रीचर्स एंड टीचर्स एंड लीडर्स टॉक अबाउट इज डेविड, किंग डेविड। और सोलोमन के विषय में भी बातें होती है, लेकिन ज़्यादातर जो बातें होती है वो राजा दाविद के विषय में बातें होती है। राजा दाविद जो है
उनके विषय में बहुत सारे बातें बाइबल में लिखी गई है, और उनकी जो शुरुआत हुई है वो एकदम छोटे लेवल से हुई है, जीरो लेवल से हुई है। वो चरवाहा था, फिर शोलोमन ने शमूएल के द्वारा उनका चुनाव हुआ परमेश्वर की ओर से और अभिषेक किया गया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो राजा बना, और बहुत मतलब उनके जीवन से हम बहुत सारी अच्छी बातें सीख सकते हैं। ऐसा एक राजा या इंस्पायर हो सकते हैं, ऐसा एक राजा जो दिखता है बाइबल में वो राजा डेविड, किंग डेविड के विषय में हम पढ़ते हैं। और उनके विषय में परमेश्वर हमेशा गर्वित है, या फिर परमेश्वर उनके विषय में हमेशा खुश रहते हैं। एक दो बातें छोड़कर हमेशा परमेश्वर उनके विषय में अच्छा ही बोलते हैं। इवन जो प्रोफेट्स थे, भविष्यवक्ता है, या फिर बाकी राजा थे, या फिर इवन एपोस्टल्स हम बोलेंगे, या फिर यीशु मसीह खुद भी, और बहुत सारे लोग डेविड के विषय में बहुत ही अच्छा बोले हैं, और डेविड के राजेशन के विषय में बोला गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं विजयी होने के विषय में। तो डेविड के विषय में से एक सीखने की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जीरो से शुरू किया था, फिर भी वो बहुत बड़ा विजेता हुआ। उनकी ज़्यादातर लाइफ जो है, जीवन जो है, वो युद्ध में बीती हुई है। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते, अपने पड़ोसियों को, अपने इर्द गिर्द जो राज्य थे उनको भी जीता, अपने लोगों को जीता, अपने फैमिली को जीता, और ना केवल उनको लेकिन पड़ोसी मुल्क को, पड़ोसी राज्य को भी राजा दाविद ने जीता है। तो ये जो राजा दाविद के विषय में बहुत अच्छी बातें बोली जाती है हमेशा, और उनके विषय में एक दुखद बात भी बोली जाती है, जो उन्होंने बत्शीबा के साथ जो कुकर्म किया उसके विषय में भी बोला जाता है, या फिर उसके विषय में हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, और बाइबल में ओपनली उनके विषय में लिखा है, और बहुत सारे लीडर्स, टीचर्स, प्रीचर्स और हम सब बिलीवर्स भी उनके जीवन से सीखने की कोशिश करते हैं कि हम उनके जैसे ना करें। तो विजयी जीवन होने के विषय में जब हम पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, तो एक बात हमेशा याद रखें कि राजा दाऊद के जीवन से सीखने की बात है कि वो बाहर के युद्धों में बहुत ही शानदार था, शूरवीर था, शौर्य से भरा हुआ था, लेकिन एक बार उनके जीवन में ऐसा हुआ है कि जब वो अपने घर में थे तब वो हार गया है। और पब्लिक लाइफ राजा दाऊद जो है उनका बहुत ही शानदार दिखता है, सबके सामने वो हीरो है, शूरवीर योद्धा है, सबका अच्छा रखवाला है, और इसराइली लोग, यहूदी लोग, सब लोग उनको प्यार करते हैं, और वो भी बहुत अच्छा अच्छे से अपने लोगों से प्यार रखता है, और युद्ध जीतता है, और लोगों से अच्छे से मिलता है रहता है। लेकिन एक बार ऐसी घटना हुई है जो बाइबल में लिखी गई है कि वो पब्लिक लाइफ में विजेता था लेकिन प्राइवेट लाइफ में वो हार गया एक बार, और उन्होंने जो नहीं करना चाहिए वो किया। उनके विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं दो शब्द आपके सामने रखता हूँ, एक है पब्लिक लाइफ और दूसरी है प्राइवेट लाइफ, या फिर आउटर लाइफ या फिर इनर लाइफ। बहुत सारे राजाओं के विषय में हम उनके शूरवीर योद्धाओं के विषय में सुनते हैं, इवन बाइबल में भी योद्धाओं के विषय में लिखा है, और हमारे भारतीय युद्ध की इतिहास में भी बहुत शूरवीर राजा हो गए हैं। लेकिन राजाओं के जीवन की कहानियां जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें दुख लगता है, बहुत बार ऐसा दुख लगता है कि यार युद्धों में बहुत शानदार है ये लोग, लेकिन जब मॉरल लाइफ के विषय में हम बात करते हैं, नैतिक जीवन के विषय में हम बात करते हैं उन लोगों के विषय में, तो उनकी जीवन की फैमिली लाइफ या फिर मैरिज लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ को जब हम देखते हैं तो बहुत दुख लगता है, या फिर यार शानदार योद्धा था लेकिन ये
ये नहीं होना था, हमें ऐसा लग जाता है या फिर ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी उनके लाइफ की ये सच्चाई है कि वो लोग ऐसे थे। तो दाऊद के जीवन की कहानी को हम यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए कि वो पब्लिक लाइफ में सुपर हीरो सुपर योद्धा दिखता है, लेकिन प्राइवेट लाइफ अपने घर की लाइफ में जब हम उनको देखते हैं तो एक बार वो हारा हुआ दिखता है। मैं आप लोगों से एक चैलेंज या फिर एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप पब्लिक लाइफ में कैसे हो, और दूसरा सवाल है कि आप प्राइवेट लाइफ या फिर जब आप अकेले हो अंदरूनी लाइफ में आप कैसे, बाहरी मनुष्यत्व में अलग हो सकते हो और भीतरी मनुष्यत्व में अलग हो सकते हो। सो या फिर पब्लिक लाइफ में आप सुपर हीरो दिखते हो, जैसे कि पॉलिटिशियंस के विषय में हम सोचते हैं तो पॉलिटिशियंस शानदार दिखते हैं, बहुत ही जोरदार दिखते हैं, लेकिन उनके विषय में जब बोला जाता है या कभी वो पकड़े जाते हैं तो हमें दुख लगता है कि यार मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये बंदा ऐसा कर सकता है। प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ दोनों को हमें मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। हम स्कूल्स कॉलेजेस में या फिर सबके सामने कलीसिया में हमारे समाज में बहुत अच्छे दिखते हो सकते हैं, लेकिन जब आप और मैं, मेरी भी बात करता हूँ, जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं है, तब हम कैसे हैं, आप कैसे हैं। सो विजेता होना मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बाहरी रूप में जीते जाते हो, आप अच्छी पढ़ाई कर लेते हो, आप अच्छा नौकरी कर लेते हो, आप अच्छी कमाई कर लेते हो, आपका नाम है, या फिर सब लोग आपके विषय में बहुत अच्छा सोचते हैं, या फिर हम क्रिश्चियन होने के नाते मैं यही बोल ये भी बोलूँगा कि अरे मैं तो मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, मैं असिस्ट कर रहा हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं सिंगर हूँ, बहुत सारी बातें हम बोल सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बात हमारे सामने आ ही जाती है कि मेरा पर्सनल लाइफ, इनर लाइफ, प्राइवेट लाइफ कैसा है, मैं हर रोज कैसा हूँ, या फिर मैं मेरे विचारों में कैसा हूँ, मेरे इमोशंस में मैं कैसा हूँ, मैं अपने जीवन में क्या छुपा रहा हूँ, ये बातें हमारे सामने आती ही है। सो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए और आपके लिए यही है कि हम बाहरी मनुष्य में जैसे दिखते हैं वैसे ही भीतरी मनुष्यत्व में भी दिखे, या फिर पब्लिक लाइफ में हम जैसे दिखते हैं वैसे ही प्राइवेट लाइफ में भी हो। जिस प्रकार हम सबके सामने जैसे दिखते हैं वैसे ही हम अपने घरों में, अपने परिवार के साथ, अपने अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही हो, तब जाके असली रूप में हम विजेता दिखते हैं। ऐसा हो सकता है कि पब्लिक आपके विषय में या फिर लोग आपके विषय में बहुत सारी अच्छी और भली बातें बोलते हो, लेकिन आपके परिवार के लोग, आपके खुद के लोग आपके विषय में अच्छा ना बोलते हो, अच्छा ना सोचते हो। आप कहोगे कि यार ये लोग ऐसे ही है, कि आपने कभी सोचा कि ये लोग क्यों बोलते हैं ऐसा? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ जो है वो पब्लिक में अलग दिखता है और प्राइवेट में अलग दिखता है? सब लोगों के सामने शानदार दिखता है लेकिन घर के सदस्यों के सामने शानदार नहीं दिखता है या गोडली नहीं दिखता है। यीशु मसीह का चरित्र या यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का मन या जीवन मुझे बहुत ही आकर्षित करता है। बड़े बड़े युद्ध के विषय में हमने सोचा कि विजेता के विषय में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या सिकंदर के विषय में, अनेक राजाओं के विषय में, या फिर राजा दाऊद के विषय में भी हमने सोचा, लेकिन अब एक और राजा जिनके विषय में हमें सोचना चाहिए और वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने तलवार न उठाने के लिए पतरस को कहा, जो तलवार उठाते हैं तलवार के कारण ही नाश हो जाते हैं, ऐसा यीशु मसीह ने कहा पतरस को। और यीशु मसीह ने कोई भी युद्ध नहीं किया, यीशु मसीह कोई भी
आर्मी कमांडर नहीं रहे। एक बार ऐसा हुआ था कि उनको राजा बनाने के लिए लोग कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह वहाँ से चले गए थे। उनको इसराइल का राजा बनने की इच्छा नहीं था उस समय में, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा जाता है। उसका एक कारण है, क्योंकि वो बाहरी रूप में और अंदरूनी रूप में, या फिर बाहरी मनुष्यत्व में और भीतरी मनुष्यत्व में एक समान रहे। उनका जो उपदेश था, उनका जो टीचिंग था, उनका जीवन के साथ मैच होता था। और याद रखे कि वेपन्स के द्वारा जीता हुआ युद्ध अलग है और हमारा शब्द के द्वारा जीता हुआ युद्ध अलग है। मैं मानता हूं कि यीशु मसीह ने वेपन्स के द्वारा नहीं, हथियारों के द्वारा नहीं, लेकिन अपने शब्दों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा इस संसार को जीत लिया है। एक बार चले जब दुखी थे या फिर कुछ बात करना चाहते यीशु मसीह के साथ, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, हिया बांधो, डरो मत, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। सिकंदर के विषय में मैंने बात की कि सिकंदर ने नॉन वर्ल्ड, उस जमाने के नॉन वर्ल्ड को जीतने की कोशिश की, और वो कई हद तक सफल भी हुआ। उसके बाद हमारे इंडिया के एक महान सम्राट के विषय में मैंने आपको बोला, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कोशिश की और वो विजेता भी हुए कि पूरे इंडिया को एक करें। और राजा दाऊद के विषय में भी मैंने आपके सामने रखा कि वो जीरो से शुरू होकर भी उन्होंने पूरे इसराइल को एक किया, यहूदिया और इसराइल को एक किया, और इतिहास में, इसराइल के इतिहास में, ना केवल इसराइल के इतिहास में लेकिन पूरे वर्ल्ड में दाऊद का नाम बहुत बड़ा नाम कहा जाता है। और चौथी व्यक्ति जिनके विषय में मैंने आपके सामने बात की है, वो है यीशु मसीह। उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने ज़्यादा कुछ हथियार यूज ही नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने संसार को जीत लिया। मैं मानता हूँ उन्होंने अंदरूनी युद्ध जीत लिया, भीतरी मनुष्यत्व को उन्होंने जीत के रखा, ताकि वो बाहर के युद्ध को भी जीत पाए। अपने शब्दों के द्वारा यीशु मसीह ने सबको जीत लिया। आज जवानों को मैं एंकरेज करना चाहता हूँ, आपके शब्द कैसे हैं? लेकिन शब्द कहाँ से निकलते हैं, उनके विषय में यीशु मसीह ने कहा, आपके जो अंदर है, आपके दिल में, आपके मन में, आपके अंदर जो है वो ही बाहर निकलता है। सो आपके अंदर क्या है वो बहुत ही मायने रखता है, आपके अंदर क्या है। मैं आज आप लोगों को, सबको एंकरेज करना चाहूँगा कि आप अच्छी नौकरी ढूंढे, अच्छा जॉब करने की इच्छा रखे, या फिर आप बहुत पैसे कमाने की इच्छा रखे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बाहरी सफलताओं के पीछे ज़्यादा दौड़ते हो या अंदरूनी सफलताओं के पीछे? दाऊद के विषय में मैंने बोला, वो बाहर पब्लिक लाइफ में शानदार राजा दिखता है, लेकिन अंदरूनी लाइफ में एक बार वो हार गया। आपका जीवन भी ऐसा हो सकता है, आप बाहरी रूप में बहुत ही विजेता दिखते हो लेकिन अंदर हारे हुए हो सकते हो। आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह के जीवन से सीखिए, यीशु मसीह के उपस्थिति में आइए, और वो आपको भीतरी रूप में और बाहरी रूप में, दोनों रूप में विजेता बना सकते हैं। मेरा जीवन ऐसा ही था, मैं बाहर बहुत ही अच्छा था लेकिन अंदर ठीक नहीं था। अंदरूनी रूप में मेरे विचार, मेरे इमोशंस सही नहीं थे, लेकिन जब से यीशु मसीह को ग्रहण किया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, यीशु मसीह में विश्वास किया, तब से मेरा जीवन बदल गया और तब से मैं विजयी जीवन जी रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा मैं जीतता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं विजयी जीवन जी रहा हूँ यीशु मसीह की सहायता से, उनके वचनों की सहायता से और पवित्र आत्मा की सहायता से। मैं दो बातें आपके सामने और भी लाना चाहूँगा। एक, विजयी जीवन जीने के लिए हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। बिना यीशु मसीह के विजयी जीवन हम जी ही नहीं सकते।
यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। हम पवित्र जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, एक बड़ा युद्ध हमारे में चलता रहता है, उसको जीतने की हम इच्छा रखते हैं, लेकिन हमारे खुद की शक्ति से वो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो युद्ध को जीतने के लिए एक ही सहायता हमारे हमें दी गई है, और वो है यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हमें सहायता मिलती है। सो यीशु मसीह की सहायता ले, पवित्र आत्मा की सहायता ले, वचनों की सहायता ले जय पाने के लिए। दूसरी एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वचन कहता है कि हमारे विश्वास के द्वारा हमने संसार को जीत लिया है। हम यीशु मसीह में विश्वास करके जय पा सकते हैं इस संसार के ऊपर। संसार मतलब क्या है? देह की अभिलाषा, आंखों की लालसा और जीवन का अहंकार, वो सारी बातों के ऊपर हम जय पा सकते हैं विश्वास के द्वारा, परमेश्वर में भरोसा करके, परमेश्वर पर आधारित होकर हम जय पा सकते हैं। कई बार लोग बिना परमेश्वर के युद्ध जीत लेते हैं, क्रिकेट टीम को जीत लेते हैं, या फिर अपने करियर में आगे चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बातों में लोग विजयी है, बिना परमेश्वर के लोग भी सफल दिखते हैं, करियर में या स्पोर्ट्स में या कई बातों में वो विजेता दिखते हैं, लेकिन लाइफ में नहीं। परमेश्वर की नज़रों में जो विजेता है, वो असली विजेता वही है जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में विश्वास रखता है, और विश्वास के द्वारा हम विजयी होते हैं, और जो जय पाता है उसको प्रतिफल है। सो हमारा जो जीवन, जो पूरा जीवन है, वो सामने जैसे कि आर्मी आ जाती है, हमारे सामने हर रोज युद्ध होता है, हमारी आंखों के सामने, हमारे अंदर, हमारे बाहर, चारों ओर, हमारे फैमिली में, मैरिज लाइफ में, हमारे बच्चों के साथ, या फिर हमारे कलीसिया में, या फिर स्कूल में, कॉलेजेस में, जॉब के प्लेस में, हर जगह एक युद्ध की स्थिति होती है, और वहाँ पे विजेता होने के लिए हमारे पास एक सहारा है, और वो है यीशु मसीह और उनके वचन और पवित्र आत्मा की सहायता। और हमारे पास जो जोरदार बात है, और वो ये कि हम जब विश्वास रखते हैं, विश्वास की बात यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, तो हम विजयी हो जाते हैं। यीशु मसीह पर जब हम आधारित होते हैं, तब हम विजयी हो जाते हैं। हर रोज का जीवन जो है यीशु मसीह में आधारित है, पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के वचनों के आधारित जब हम जीवन जीते हैं, तो हम जीतते हैं। ये पक्का है, परमेश्वर ने वादा किया है कि हम जीतेंगे। सो मैं आप लोगों को सबको एंकरेज करना चाहूँगा कि आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे देश को एक किया, सिकंदर ने पूरे वर्ल्ड को एक करने की कोशिश की, और राजा दाऊद ने पूरे इसराइल और यहूदिया को एक किया, लेकिन यीशु मसीह ही ऐसे है जिन्हें पूरे वर्ल्ड को, पूरे राष्ट्र को, हर एक देश को जीत लिया अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। असली विजेता यीशु मसीह है जिन्होंने सारा का सारा युद्ध जीत लिया, भीतरी युद्ध और बाहरी युद्ध, दोनों युद्ध यीशु मसीह ने जीते हैं। इसीलिए उसको, उनको राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बोला जाता है, और वो एक दिन आने वाले हैं, 1000 साल का राज्य वो स्थापित करेंगे, और वो राजा होकर राज करेंगे इन फ्यूचर। लेकिन अभी भी वो हमारे दिलों में, हमारे मनों में, हमारे आत्मा में राजा होकर राज कर सकता है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के विषय में मैसेज दिया, और वो परमेश्वर का राज्य आपके अंदर हो सकता है और आपके इर्द गिर्द हो सकता है। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं राजा के रूप में, तो वो आपके जीवन को नियंत्रित करेंगे, आपके जीवन के ऊपर वो राज करेंगे, और वो आपको आशीष देंगे।
ज्यादातर महान राजा अब नहीं रहे, लेकिन एक ही राजा जीवित है और वो है यीशु मसीह। वो कल, आज और सदाकाल, युगानुयुग, हमेशा जीवित है। उस राजा यीशु मसीह में विश्वास करें, उस टीम में रहे जो हमेशा विजयी होती है, और वो टीम है यीशु मसीह की टीम। यीशु मसीह को फॉलो करें। और मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा, आपका पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लाइफ दोनों यीशु मसीह को समर्पित करें, ताकि यीशु मसीह जिस प्रकार पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ में वैसे ही थे, एक समान थे और पवित्र रहे, उसी प्रकार आपको भी और मुझे भी पवित्र रहने की शक्ति प्रभु की ओर से मिल सकती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब यीशु मसीह के द्वारा आशीषित हो और महान राजा यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह के साथ होकर आप राज करें और विजेता रहे हर रोज अपने मैरिज लाइफ में, अपने विचारों में, अपने पेरेंटिंग में, अपने कलीसिया में, अपनी सेवकाई में। यीशु मसीह के द्वारा आप विजय जीवन जिए। आखिरी सवाल, आप विजय जीवन जीना क्यों चाहते हो? आप विजयी क्यों होना चाहते हो? मैं मानता हूं हमें विजयी जीवन इसीलिए जीना चाहिए ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हम जो भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। हम खाते हैं, पीते हैं या कुछ भी करते हैं, परमेश्वर के लिए करते हैं। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, सोली डियो ग्लोरिया, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा मिले। हम अपने करियर के लिए, अपने खानदान के लिए या अपनी कलीसिया के लिए विजयी या सफल होना नहीं चाहते हैं। हम अपने परमेश्वर की महिमा के लिए विजयी होना चाहते हैं। मैं आशा रखता हूं और प्रार्थना करता हूं आप सभी के लिए कि आप भी ऐसा ही हो। आप अपने जीवन में विजयी होना चाहते हो इसीलिए, ताकि सोली डियो ग्लोरिया, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा आप खोजते हो और ढूंढते हो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा पब्लिक और प्राइवेट लाइफ, बाहरी और भीतरी लाइफ एक समान हो। हमें सहायता दीजिए यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और वचनों के द्वारा, और हम सबको सहायता करें कि हम विश्वास कर सके, हम आधारित हो सके यीशु मसीह में। हम सबको आशीष दे प्रभु, और विजय जीवन जीने के लिए हम सबको सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं पिता। आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह और गॉड ब्लेस यू। और आप सबको प्रभु आशीषित करे, और मैं चाहता हूँ कि आप पवित्र जीवन जिए और विजय जीवन जिए, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए आप हर रोज उपयोगी हो, और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आप सबको यूज करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।